नागपूर गुन्हे शाखा युनिट 3 पथकाने काही दिवसापूर्वी झालेल्या फायरिंग प्रकरणातील सराहित गुन्हेगाराला त्याच्या 2 साथीदारासोबत अटक केली आहे. या कारवाईत गुन्ह्यात वापरलेली 2 पिस्तूल कार जप्त केल्या गेले आणि उधार दिलेल्या पैशातून पैसे वसूल करण्यासाठी फायरिंग केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 5 मार्च 2024 को लक्कड़गंज पुलिस स्टेशन की हद्दी में एक गुना दाखिल झाला होता. 307 तसेज राइटिंग के सेक्शंस होते आणि एक्सटॉर्शन के सेक्शंस होते. इस केस में अपन ने वसीम चिरा आणि इत्यादि 4 साथी को निष्पन्न किया था. ये गुना वैसे भी उशिरा दाखिल झाला होता क्योंकि आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन लेट आई थी. तसेज कंप्लेनेंट पण आपल्याकडे उशिरा आलेला होता. इस केस दाखिल झाल्यानंतर ही आपण आरोपीचे मागे होते. तसेच आपला इलेक्शनच्या अनुषंगाने पण फायर आर्म्स पे जास्ती जास्त केस होना चाहिए ऐसा हमारा उद्देश होता. तर पिछले 1 आठवड्यापासून आपल्याकडे इसकी माहिती होती आणि आज सकाळी आपल्याला एक चांगला ब्रेक थ्रू मिला. आपण इस केसमध्ये जो वसीम चिरा जो मेन आरोपी है उसको अटक करने में सक्षम हुए. तसेच इसके साथ के साथी दो साथीदार थे जो इसकी मदद कर रहे थे वो भी हम अटक करने में सक्षम रहे. इस गुने में जो गाड़ी वापड़ ली है उसको भी हमने हस्तगत किया है. तसेज 2 फायर आर्म्स हमें उनके थ्रू हस्तगत करने में सक्षम हुए. दोनों फायर आर्म्स इस गुने में यूज़ हुए थे. एक से फायरिंग हुई थी तसेज एक को दिखाया गया था. अरे संक्षिप्त में कि एक चांगली कार्रवाई चली है यूनिट टीम और उसकी टीम ने और आगे भी हम इस तरीके के इलीगल फायर आर्म्स के बदल कार्रवाई करते रहेंगे. तसेज ऐसा पन निष्पन्न झालेला है कि हा फायर आर्म MP वरुण घेऊन आलेला होता तो इसका क्या नेटवर्क है ये भी अनर्थ करने की हम कोशिश करेंगे.